दो फरवरी 3 फरवरी अप्रोक्स दोनों दिन मिला के हाफ ऑफ देखा। माई बेस्ट फ्रेंड एना फ्रैंक का ये मूवी बेसिकली नेटफ्लिक्स का बहुत अच्छा ही मूवी था, बिकॉज एक फ्रेंडशिप बेस्ड ये स्टोरी दिखाई गई थी ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेंडशिप बेस्ड स्टोरी थी, बहुत अच्छी फ्रेंड स्टोरी थी, जहाँ एंजॉय कर रहे थे। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जहाँ वर्ल्ड वॉर छिड़ जाता है, जहाँ दो देश के बीच में बंटवारे हो जाते हैं, दो देश में ये लोग अलग अलग जगह चल जाते हैं। लेकिन कि ये फ्रेंड बेस्ट मिसाल वाला मित्र दोस्त के लिए ना जान दे देते हैं, एंड देन बहुत ही ज्यादा अलग लेवल का फ्रेंडशिप इन्हें दो सरहदों को डिवाइड करने के बाद भी इनके अंदर दरार नहीं आती है। उनके साथ कुछ देखिए चेंजेस तो आएंगे, बिकॉज समथिंग चेंज को अडॉप्ट करने के लिए कुछ टाइम चाहिए, और अगर कुछ टाइम आपने ले लिया ना तो फिर आप कुछ नहीं चाहिए। फिर उसके बाद उन्होंने अपना वो पास्ट को भुला, फिर फाइनली वो फ्रेंड्स फिर से मिले आफ्टर सम टाइम्स। और उसके बाद कहानी बहुत अच्छी पिक्चराइज की गई थी, जिसमें जो एक्टर थे वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थे, बिकॉज हर उनके डायलॉग्स में इस तरह का इमोशन झलक रहा था ना कि एक फ्रेंड्स के बीच में होना चाहिए। जैसे फ्रेंड्स जैसे हम लोग थे, एक पेरेंट बेसिस पर हम लोग बहुत कोई चीज बात नहीं कर सकते, लेकिन वो फ्रेंड बेसिस पे हम लोग बहुत कुछ ऐसी बात कर सकते हैं जो हम लोग को करनी चाहिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी। तो फ्रेंड्स रिलेशन एक बेस्ट रिलेशन होता है, उसके आगे का कोई बाउंड्रीज नहीं होता, उसमें कोई लिमिटेड नहीं होती है, और वो हम लोग अपने आप को एक्सचेंज कर सकते हैं अपने सारे इमोशंस को। उसी मूवी में बेसिकली इस इमोशन को एक्सचेंज करने के दौरान हमारे पास एक वर्ल्ड वॉर छिड़ जाता है, एंड देन फिर अलग अलग चीजें हो जाती है, हमारे अनुकूल भी कुछ चीज होती है, हमारे डिस्कूल भी कुछ होती है, लेकिन उसके बाद भी आप धूम मचाते हुए कॉन्टेंट लेके आते हैं, फिर एक अलग सा इम्पैक्टफुल होता है, एक ब्यूटीफुल कंटेंट होते हैं। तो अमर ब्लॉग्स इसी तरह सोचता है कि अलग अलग कंटेंट लेके आए। इस तरह उन्होंने मूवी रिव्यू ऑफ मिस्टर एना फ्रैंक, माय बेस्ट फ्रेंड एना फ्रैंक, ये मूवी रिव्यू लाया जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। देखिए बिकॉज कहानी एक पथ पे होती है, मतलब आपको एक इमोशन टच कर जाए, रिलेटेबल हो जाए, तो कंटेंट जब रिलेटेबल होता है ना तो आपको देखने में और मजा आता है। जिस तरह पुष्पा अभी काफी ज्यादा वायरल था, उससे कुछ 2 साल पहले KGF वायरल था, इस तरह से माय बेस्ट फ्रेंड एना फ्रैंक का भी ये मूवी बहुत ज्यादा वायरल है। कैसा लगा आपको वीडियो, जैसा लगा आपको मूवी रिव्यू, हमें कमेंट करके जो बताएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर ब्लॉग से मिलते हैं।